चौपाई। पीहू पीहू हाँ पीहू मतलब जहाँ कह रहे हो थोड़ा प्यू प्यू कह रहे हो। हम्म, अरे यार सॉरी बेटू बेटू बार बार क्यों कह रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे अरे यार तो मैं क्या करूं। बेटा जैसे बोल आ रही अच्छा बॉल आ रही है। अच्छा सुनो छोना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दियाना द व्लॉग। एंड अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। एंड थोड़ी सी मेरी आवाज़ धीरे है जस्ट बिकॉज मैं आज थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रही हूँ। कल रात से एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब बॉडी एक हो रहा है, आंखें जल रही है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी ऊपर नीचे आ रहा है। लाइक एकदम जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर आ रहा है। मैंने काफ़ी बार चेक किया है कल रात से लेके अभी तक। एंड कुछ खांसी ज़ुकाम ऐसा कुछ है नहीं। हाँ रात को गला दर्द ज़रूर था लेकिन सुबह मैंने गर्म पानी पिया, चाय पिया, उसके बाद से ठीक लग रहा है। एंड टैबलेट ले ली जैसे हर घर की जान, डोलो 650, तो डोलो ले ली थी मैंने सुबह, फिर दोपहर में भी ली, अभी शाम को भी ली, तो ठीक लग रहा है मुझे। खैर एंड हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए हैं, नॉट इवन सब्जी खरीदने, सब्जी दूध भी हम लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। और अमित का ऑफिस भी रेगुलर नहीं है, मतलब हफ्ते में 2 दिन उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है और उसमें भी ज़्यादा इतने लोग कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है। कोविड तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे और इससे ज़्यादा कुछ सिम्टम लग नहीं रहे। लेकिन हाँ मैं जैसे कि थोड़ा सा मुझे ठीक फील हुआ तो मैं थोड़ा सा उठ गई थी। मैंने सोचा पीयू के कपड़े वपड़े ठीक रख लूँ, समेट लूँ और वॉशरूम चली गई, फेस वेस वॉश किया, नहाया तो नहीं है मैंने आज। तो इतने में मैं वापस आई और मेरा फिर से थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो गया और मेरी फिर से आँखें जलने लगी। आँखें मेरी बहुत जल रही थी, लाइक रात को तो बिल्कुल खुल नहीं रही थी और सुबह भी आया। मैंने सोचा कि रात को सोचा कि मैं सो लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, शायद काम वाम ज़्यादा हो गया होगा तो उस वजह से हो रहा होगा। लेकिन सुबह उठने के बाद भी वैसा ही फील हो रहा था, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। मेरे को इतनी थकान और इतना मेरा पीछे से पीठ दर्द मेरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कमर दर्द हो रही थी। और जब मैं एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था थोड़ा सा, तो मेरी बैकबोन पे लगी थी, रीढ़ की हड्डी पे लगी थी, तो वो वाली बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मेरे, अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है लोअर बैक पेन। और क्या हो गया, मेरा बच्चा भी यहाँ बैठा है। किसका फ़ोन है? पापा का फ़ोन है। तो हाँ जिसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक कॉल आ गया, सुनो। कॉल आ गया था बीच में। हाँ तो फिर मैं बता रही थी, हाँ सुबह फिर ब्रेकफास्ट तो अमित ने बनाया क्योंकि तबीयत सुबह तो काफ़ी ठीक सी नहीं लग रही थी। अरे और मेरे बच्चे की देखो एक आँख पूरी सूज चुकी है, इसकी आँख, आइस क्लोज करो बेटू, ये वाली क्लोज करो, ये बहुत इसमें बहुत बड़ी सी फुंसी हो गई है और इसमें पस पड़ी है। तो पता नहीं ये अब बच्चे की, मेरे बच्चे की कब ठीक होगी, थोड़ा दूर रहे। अब पता नहीं यार, कोविड भी है तो हम तो दोनों साथ ही बैठे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं कि मैं इसको अलग रख पाऊँ। क्योंकि अब अमित है तो थोड़ा बहुत खाना वाना देखते हैं, थोड़ा इसको रखते हैं और बाकी काम भी हो जाते हैं घर के। इसको अलग रख दूँ मैं अपने से तो फिर इसका ध्यान कौन रखेगा, बिट्टू इतनी बदमाशी नहीं करते। तो फिर थोड़ा सा ठीक लगा, मेरी टैबलेट वैबलेट ली तो फीवर उतर गया था लेकिन मेरी बैक वैसे ही बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। ऐसा लग रहा है, एक मिनट बेटू, एक सेकंड मम्मा को बात करने दो। ओके तो यहाँ से जो पीछे से ना मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने जकड़ लिया हो, उस टाइप का मुझे फील हो रहा था। और मुझे उसमें रिलीफ नहीं हुआ, मतलब टैबलेट लेने के बाद भी, बट हाँ फीवर से मुझे रिलीफ मिल गया था। तो मैंने सोचा मैं लंच बना दूँ, बट मैं बनाने गई और मतलब थोड़ा सा भी मैंने मतलब कुछ मूवमेंट किया बॉडी का और मुझे फिर से फीवर आने लग गया एंड फिर से आंखें जलने लग गई और सब कुछ फिर से होने लग गया। तो फिर वही अमित ने मुझे सुला दिया कि जाके सो जा और आप रेस्ट करो आ जा तो कम से कम। फिर अमित ने लंच बनाया एंड उनको लंच बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि अब डेली नहीं बनाते तो फटाफट नहीं बन पा। हाँ हालांकि वो बना लेते हैं अभी लेकिन इतना फटाफट नहीं हो पाता है। फिर पीयू के लिए अलग बनाया एंड देन पीयू को खिलाया, खुद ने खाया और फिर वो भी बहुत थक गए थे क्योंकि आज सुबह से मतलब हम दोनों की सेवा में ही लगे हुए थे, उनको रेस्ट करने को भी टाइम नहीं मिला। एक मिनट बैठो, एक मिनट। हाँ सो एंड अभी तो फिर मैंने कहा आप ऑर्डर ही कर लो क्योंकि अभी रात का नहीं बन पाएगा इतना सब कुछ। अब ऐसा नहीं हो कि उनकी भी तबीयत खराब हो जाए क्योंकि उन, अब पता नहीं है साथ में रह रहे, अगर मुझे इनकेस कुछ है तो फिर साथ में है, कॉन्टेक्ट में है, तो देखो इतना ही टाइम लग रहा है। ओमिक्रॉन इस बार वाला वेरियंट ऐसा है कि बहुत जल्दी फैल रहा है। क्या हो रहा,
आज मैं इसको कह रही हूँ मुझसे थोड़ा दूर रहो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, तो आज ही इसको सारा मतलब जहाँ का प्यार आ रहा है और मेरी गोदी में ही चिपक चिपक के बैठ रही है, बार बार चिपक चिपक के बैठ रही है। मैं इसको कह रही हूँ दूर हो जाओ, एटलीस्ट मेरे पिल्लो से दूर रहो, मुझसे थोड़े से डिस्टेंस से बात कर लो, पूरा रूम तो अलग नहीं कर सकते क्योंकि अब इसको कौन रखेगा यार, वही वाली बात है ना, जब आप न्यूक्लियर फैमिली में होते हो तो आपके पास इतनी मतलब अरे आप देख इतनी बदमाश है ना, उसको पता है कि मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन जो इन बच्चों को ना मना करो वो चीज़ ये करते हैं। अब ज़्यादा छोटी होती तो चलो इसको अलग बिठा देते, हमें रख लेते, इसको दूध दूध पिला देते, खिला देते, ठीक है। या थोड़ी और बड़ी होती तो इसको समझा देती कि भाई मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको अलग रहना। अब ये बीच के बच्चे होते हैं ना, ये वो अधजल गगरी छलकत जाए जिनको कुछ नहीं समझ आता है, तो इनके साथ यही है कि इनको जो चीज़ मना करेंगे इनको वही करनी होती है। और आज बस ये मुझसे चिपक के बैठी है, मुझसे दूर तक नहीं हो रही है, और पूरे दिन रूम में है, बेड पे है। मैं कह रही हूँ थोड़ी देर बाहर खेल के आ जा भाई, थक जाएगी तो थोड़ा सो भी जाएगी, लेकिन नहीं। तो खैर देखते हैं क्या होता है कल सुबह तक का। अब अमिता कल ऑफिस है, मतलब इतने दिन ऑफ थी तो मैं सोच रही थी तभी बुखार आ जाता कम से कम, तो दो चार दिन में ठीक ठीक हो आ जाता। अब कल उनका ऑफिस भी है तो पता नहीं अब क्या होगा, देखते हैं कैसे क्या मैनेज करते हैं यार। एंड ऐसा भी नहीं है कि ट्रैवल से हुआ है, क्योंकि हम लोगों को आए हुए लाइक 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई ट्रैवल करते टाइम या हमें आते टाइम इन्फेक्ट हो गए हो, तो वो भी वाली भी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आज 20 दिन बाद तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट नहीं दिखता। मेरे बच्चों कैसा लग रहा है। एंड वहाँ पे मेरे घर पे भी सब लोग इन्फेक्ट हो गए, इवन मतलब मम्मी पापा भाई बहन, तो उनका तो चलो समझ आता है कि पापा को डेली ऑफिस जाना पड़ता है, भाई भी बाहर जाता है, और मेरे मकान का काम भी चल रहा है तो लेबर्स है तो उनके कॉन्टैक्ट में भी रोज़ आना जाना हो जाता है, तो ठीक है। बट उनको इतना इस बार ऐसा नहीं था, इस बार मतलब पहले उनको किसी को नहीं हुआ था, मेरी सिस्टर को हुआ था जब फर्स्ट वेव आई थी, तब उसको बिट्टू यार रुको ना ऐसे क्या कर रहे हो आप, तो उसको तो फर्स्ट वेव आई थी जब उसको कोविड हुआ था, और घर में उसको अकेले कोई होता था, मैं भी वहीं थी, पीहू भी वहीं थे, सब थे, लेकिन और हम लोग इवन उसकी रिपोर्ट भी 3-4 दिन बाद आई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे और रिपोर्ट्स भी इतनी जल्दी नहीं आ रही थी, तो उसकी 2-3 दिन में आई थी, तो तब तक हम लोग सब साथ ही थे, और हमें ये भी लगा था कि भाई अगर तू पॉजिटिव होती तो तेरी जल्दी आ जाती है, तू नेगेटिव ही ऑब्वियसली तू नेगेटिव है, तो इवन जिसकी उसकी रिपोर्ट शाम को 6 बजे 5 बजे तक हम उसके साथ ही थे सब लोग, एंड फिर भी हम लोग हम में से कोई भी इन्फेक्ट नहीं हुआ था इवन तब। और इस बार घर में सब इन्फेक्ट हो गए। उस टाइम उसको 4-5-6 दिन तक फीवर आया था, बहुत तेज़ फीवर आया था, एंड वो कहीं घर से बाहर नहीं गई थी कहीं, क्योंकि उसका उस टाइम कोई एक एग्ज़ाम था तो उसकी वो तैयारी कर रही थी, एंड लाइक 1 महीने से वो कहीं भी बाहर नहीं गई थी, और हम में से कोई बाहर गया और उसको ला के दे दिया। लाइक मैं उस टाइम बहुत बार गई थी क्योंकि दिवाली थी, तो दिवाली की शॉपिंग वगैरह के लिए मैं मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मार्केट गई, और पापा ऑफिस जाते ही थे डेली, एंड तो हमसे ही किसी से इन्फेक्ट हुई है या फिर हमने ऑब्वियसली कुछ मतलब जो भी था कि मतलब वो बाहर नहीं गई थी, लेकिन सब घर में वही इन्फेक्ट हुई, उसके अलावा सब लोग घर से बाहर निकलते थे, उसके अलावा वो पड़ती थी, लेकिन अब देखो जिसको होना होता है हो जाता है। एंड दिवाली वाले दिन हुई थी, मतलब वो दिवाली वाले दिन क्वारंटीन थी, और अमित भी जयपुर थे और वो भी इन्फेक्ट थे और वो भी क्वारंटीन थे, उनको भी बहुत तेज़ हुआ था उस टाइम, बहुत तेज़ फीवर था, और इस बार इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, मतलब जैसा कि मेरे घर वालों को सबको हुआ है, तो उनको जब हुआ था जब हम लोग दिल्ली आ गए थे, लाइक हम लोग 3 तारीख को आए थे, तो उनको 4-5-6 के बाद उनको सबको स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मम्मी को हुआ, फिर भाई को हुआ, एंड देन सिस्टर को हुआ, नहीं सिर्फ फिर पापा को हुआ, फिर सिस्टर को हुआ, तो ऐसे करके सबको हुआ, और एक एक दिन सबको फीवर आया, एंड ज़्यादा कुछ सिम्टम्स थे नहीं उनके, हाँ ज़रूर बॉडी एक ज़रूर हुआ था, तो बस वही मेरा भी बॉडी एक ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे उससे थोड़ा सा लग रहा है कि इन शायद मुझे भी हो सकता है। अब वो देखो होने को कैसे भी हो सकता है, मैं बहुत कैरी कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, बाहर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन वही वाली बात है ना कि कहीं से कैरी होके आ गया होगा घर में, हो गया होगा, अब होगा तो फिर सबको होगा, और क्या कर सकता है ना। अब थोड़ी सी टेंशन है पीयू को लेके, बाकी तो कुछ नहीं है, एक दिन बुखार आएगा या 2 दिन आएगा मैक्स टू मैक्स, और बॉडी रिकवर कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, दवाई भी खा लेंगे, सब कर लेंगे, बट बच्चे का थोड़ा डर है, तो आई होप ठीक हो जाए। खैर अब तो मेरे घर वाले सब ठीक हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी 10 दिन पुरानी बात है, 10-15 दिन पुरानी बात है, वो तो सब ठीक हो आ गए, सब लोग अपने काम पर चले गए, सब अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अभी हम लोग हैं तो बस हमें इन्फेक्ट ना हो जाए, या फिर अगर इनकेस मैं हूँ तो उनको ना हो,
मैं पीओ को ना, और पीओ का बर्थडे यार 4 दिन बाद, मुझे सबसे ज़्यादा वही अफसोस है कि भाई मुझे ना हो, मुझे नहीं आना चाहिए बुखार, पीओ को नहीं आना चाहिए, अमित को नहीं आना चाहिए, किसी को भी नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चे का बर्थडे यार। मैंने इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर रखी थी, वो तो वैसे चौपट हो ही गई कोविड की वजह से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेज हो गया जनवरी तक, मतलब ये दिसंबर एंड तक तो इतना नहीं था, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया। एंड यहाँ पे दिल्ली में सब बंद तो है ही है, और कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, हम कहीं नहीं जा सकते, किसी को बुला नहीं सकते, किसी एक बच्चे को भी इनवाइट नहीं कर सकते। बट स्टिल मैं सारा डेकोरेशन का सामान वगैरह सब जोधपुर से मैंने पहले से ख़रीद लिया था, उसके कपड़े ऑर्डर कर लिए, उसके टॉयज गिफ्ट सब ऑर्डर कर लिए, तो एटलीस्ट यार हम लोग तीनों ही सेलिब्रेट कर लेते और बच्चे के लिए एटलीस्ट मेमोरीज बन जाती, उसको अच्छा लगता, क्योंकि अब वो सब समझती है। ऑब्वियसली 3 ईयर्स की होने वाली है, तो अभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने बर्थडे को लेकर। इवन हम में से किसी का होता है तो भी उसको यूँ लगता है कि बर्थडे है, केक आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो और अब कितने दिनों से हमेशा सबसे घर वालों से वीडियो कॉल करती है, तो सबको बोलती रहती है मेरा बर्थडे आने वाला है, आप लोग आओगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए गिफ्ट लेके आना, मेरे लिए केक लेके आना। और अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो यार सब स्पॉइल हो जाएगा। खैर, लेट्स होप फॉर गुड। एंड आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा यार, पता नहीं है कब कैसे क्या किसको हो जाता है, बट ठीक है, इस बार थोड़ा सा वेरिएंट हल्का है, बड़ों पर तो हल्का ही है, बच्चों का नहीं पता है क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, हम लोग तो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। एंड अभी तो बूस्टर डोज भी लग रहे हैं सबको, तो लेट्स होप फॉर गुड। एंड आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा यार, अभी आज के लिए इतना ही है, अभी तो खाना आने वाला, हमने ऑर्डर कर दिया, हम लोग खा लेंगे। एंड कल सुबह क्या अपडेट रहता है, लेट्स सी, तबीयत ठीक रहती है, रहती है, फिर ज़्यादा ख़राब हो गई इन केस तो फिर हमको ऑफिस से ऑफ रहनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पीओ की बात है ना यार, अगर हम अकेले होती मैं तो ठीक है, दवाई खा के सो जाती, खाना पीना सब अमित पास में रख लेते, पूरे दिन सोना ही था कुछ नहीं, बट बच्चे के साथ क्या है कि 24 आवर्स हमें एक्टिव रहना पड़ता है। अभी भी मैंने उसके सारे बुक्स को अमित को बोला मेरे पास, बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो वो भी ऑब्वियसली वॉश वॉश करने पड़ेंगे, सब कुछ ना काम तो करने पड़ेगा, वैसे बेसिक तो है ही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाना बाहर से मंगवा सकते हैं। कुक आती थी पहले जब मैं यहाँ नहीं थी तो, बट अब वो आई, मैं आ गई थी तो मैंने बता दिया था, क्योंकि कोविड बहुत बढ़ रहा था और वैक्सीनेटेड भी नहीं थी एक्चुअली, उसको एक भी डोज नहीं लगी, पता नहीं कैसे हो गया। अभी भी मतलब हमारे यहाँ पे लोग सब वैक्सीनेटेड नहीं है और वो वैक्सीनेटेड नहीं थी, वैसे भी हमारे सोसाइटी में सबका आना बंद कर रहे थे, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनका बीच में उनका आना बंद कर दिया था, तो मैंने उसको मना कर दिया, लगवा ले पहले अपना डोज। एंड मैं हूँ तब तक ऑब्वियसली मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इन वेट वेट के हाथ खाने खाने की, क्योंकि अब मैं तो ऑब्वियसली 11-12 साल से बाहर रहते हैं, वो ये खा खा के उनको आदत है, वो मतलब गंदे से गंदा खाना खा सकते हैं, तो भी क्या बताओ लेके आ जाए क्या रियल ले, और हम सब चलिए गाइस ये व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे बैक बहुत दर्द हो रही है, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा देर लेट थी तो मेरी बैक बहुत दर्द होने लग जाती है, तो दिक्कत है, तो खैर है। चलिए व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, एंड आगे का अपडेट नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। एंड देखिए अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए पीजिए, और हो गया तो होने वाला तो हो जाएगा, चलो कोई नहीं, फिर ठीक है, बॉडी को बस रिकवर करना है फटाफट से, मुझे अच्छा हेल्दी खाए पिए। अरे मेरी जान, अरे मेरी बिट्टू, ओ मेरी क्यूटू, ओ मेरी पिंचे, ओ मेरी चिड़की, मेरी चिट्टू की आईज, मेरी चिट्टू की आईज।